चलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दो फ्रेंड्स की मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूं, जिससे आपको काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा और एक न्यू वे मिलेगा लाइफ को अचीव करने के लिए। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स थे जो समुद्र के किनारे पर शंखों का कलेक्शन करते थे। तो जिससे क्या होता था, उनको पैसे मिलते थे, उनको बेच करके वो अपना थोड़ा बहुत अपनी इनकम है वो इकट्ठा कर देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि दो फ्रेंड्स थे, सुबह को ही चले गए। तो एक फ्रेंड था, उसको छोटे छोटे बहुत सारे शंख मिल गए। धीरे धीरे वो निकाल रहा था, उसको छोटे छोटे शंख ही मिल रहे थे। तो वो क्या किया, अपने पास में। बट दूसरा वाला फ्रेंड है, उसको एक बहुत बड़ा शंख मिल गया, और बहुत बड़ा शंख मिल गया, वो खुश हो गया। तो जो बड़ा शंख वाला था वो और कोशिश कर रहा था कि और शंख मिले। और जो पहला वाला, जिसको बहुत सारे छोटे छोटे शंख मिले थे, उसने क्या किया, उनको फेंक दिया। उसने कहा कि यार, ये छोटे मोटे शंख मेरे किस काम के, मैं तो अपने उस फ्रेंड की तरह बड़ा वाला शंख है उसको ही ढूंढूंगा, वो मिलेगा तो मुझे ज्यादा इनकम, ज्यादा पैसे मिलेंगे। ऐसा सोचते सोचते उसे जो भी छोटे छोटे शंख मिले वो सब उसने इधर उधर फेंक दिया। दूसरा वाला फ्रेंड था, जिसने बड़े शंख के साथ छोटे मोटे शंख है उनको भी साथ में इकट्ठा करना शुरू किया। देखते देखते रात होगी, लेकिन जो वो छोटे छोटे जिनको शंख मिले थे और जिसने फेंक दिए, उसको एक भी बड़ा शंख नहीं मिला, और वो निराश हो गया। रात तक उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, और जो दूसरा वाला फ्रेंड था, उसको बड़ा शंख के साथ और भी बहुत सारे शंख है वो मिल गए। अब क्या होना था, मार्केट गए और जो शंख बेचने गया फ्रेंड, उसको बड़े शंख का 1,000 रुपये मिला और छोटे छोटे शंखों के 3,000 रुपये मिले। फ्रेंड्स, ये बात उसने अपने दूसरे जो फ्रेंड, जिसने छोटे छोटे शंख थे उसको फेंक दिए थे, उसको उसने ये बात बताई कि देखो कि मेरे बड़े शंख का तो 1,000 मिला, और जो तुमने छोटे छोटे शंख फेंक दिए थे, उन्हीं शंखों को मैंने इकट्ठा किया और बेचा तो मुझे उसके 3,000 रुपये मिले। तो वो फ्रेंड है वो काफी उदास हो गया और उसको बहुत दुख हो गया, उसको जो छोटे छोटे शंख थे वो फेंकने नहीं चाहिए थे। फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी कि हम लोग छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करके बड़ी खुशी की तलाश में अपनी जो छोटी छोटी खुशियां होती है उसके ऊपर भी ध्यान नहीं देते, और जिंदगी में कहते निराशा है, हताशा है, उदास है। क्यों उदास हो, और छोटी छोटी खुशियां उनको भी इंजॉय करो, बड़ी खुशी अपने आप आपको मिलती रहेगी। लेकिन बड़ी खुशी के चक्कर में आप आज का दिन ना जी करके, आज की खुशी उसको एंजॉय नहीं करके आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो खुश नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, ये गलत बात हो गई। तो आज से हमने सीखा कि हम छोटी छोटी खुशियां उसको भी छोटी छोटी पल को एंजॉय करेंगे और लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे और लड़ते रहेंगे। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।